यूपीए के समय मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 9% हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट थी। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर देख रहा, और आज नए तरीके से नापा जाता है, जीडीपी नए तरीके से नापे जाती है, तब 5% ग्रोथ है। अगर आप पुराने तरीके से नापे, यूपीए वाले समय के तरीके से नापे, तो 2.5% ग्रोथ रेट है हिंदुस्तान का आज। 2.5% याद रखिए, शर्म की बात है। ये हुआ क्यों? यूपीए के समय हम सरकार का पैसा किसानों को, गरीबों को देते थे। मनरेगा, भोजन का अधिकार, ये हमारे प्रोग्राम्स थे। हम गरीबों को पैसा क्यों देते थे, मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी शायद इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं है, समझे नहीं है। अर्थव्यवस्था जब चलती है, जब गरीबों के जेब में पैसा आता है, और बड़ा साधारण सा सिस्टम है, जैसे ही किसानों के जेब में पैसा जाता है, गरीबों के जेब में पैसा जाता है, वो माल खरीदते हैं, कोई टूथपेस्ट, कोई साबुन, कोई शर्ट, कोई पतलून, कोई जूता। जैसे ही हिंदुस्तान के गरीब लोग माल खरीदते थे, वैसे ही फैक्ट्रियां चालू हो जाती थी। जैसे ही फैक्ट्रियां चालू हो जाती थी, कोई फैक्ट्री शर्ट बनाती, कोई पतलून बनाती, कोई सेलफोन बनाती, हिंदुस्तान के करोड़ों लोग माल खरीदते। उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलता, और उन्हीं फैक्ट्रियों में पूरी दुनिया का इन्वेस्टमेंट आता था। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? किसानों को बर्बाद कर दिया, मनरेगा को खोखला कर दिया, भोजन के अधिकार को बंद कर दिया, नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया। इससे क्या हुआ? हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, युवाओं के जेब में से उन्होंने पैसा निकाला और 15-20 उद्योगपतियों के जेब में डाल दिया।